हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम युगल जोड़ी जी की विंटर ड्रेस बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम कान्हा जी के लिए बनाएंगे, तो हम कान्हा जी की धोती बनाएंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। धोती बनाने के लिए हमने यहाँ पर 28 चेन ली है। अब हमें 3 चेन और लेनी है, 1 2 3। अब ये जो हमने 3 चेन ली हैं, ये 3 चेन स्किप करके फोर्थ वाली में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में बनाना है। इस तरह ये हमने यहाँ पर 28 चेन ली हैं। अब हमें ये 28 चेन के ऊपर सभी पर हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इसमें हमें कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना है, पूरा हमें 28 के ऊपर 28 ही डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी 28 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें 3 चेन लेनी है। देखिए, 1 2 3, 3 चेन लेकर वर्क को टर्न कर लेना है। अब हमें ये जो यहाँ पर हमने पहले स्टिच पर ये 3 चेन ले ली हैं, तो हमें ये नेक्स्ट वाली चेन से स्टार्ट करना है। यहाँ हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। अब हमें इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना है, कहीं भी हमें कम नहीं करना है, हमें इसी तरह से इसको कंप्लीट करते हुए जाना है। और हमें ये जब तक करना है जब तक कि ये स्क्वायर ना हो जाए। जितना यहाँ पर है इतना ही हमें इसकी लेंथ चाहिए, हमें ये स्क्वायर चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 14 रो में कंप्लीट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारा 14 रो में स्क्वायर बन चुका है। हमें इसी तरह से एक और बनाना है। सेम हमें ये 2 पीस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें सेम इतने ही स्टिच रख कर और हमें इसके बराबर ही बिल्कुल सेम एक और बना लेना है। देखिए, ये हमारे 2 स्क्वायर रेडी हैं। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसको हमें इस तरह से बीच में रखना है, जिस चेन से हमने स्टार्ट किया था, और हमें ये दोनों पार्ट्स को इतना सिल देना है, इतना। देखिए, हम इसको क्रोशिया की सहायता से ही सिल सकते हैं, आप चाहें तो आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं। देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें चेन बनाते हुए जाना है। ये देखिए, दोनों को एक साथ लेकर चेन लेनी है, धागा कट कर देना है। ये देखिए, ये हमारे दोनों पीसेस यहाँ तक ये जॉइन हो गए हैं।
अब हमें क्या करना है, एक इस तरह से हमें डोरी बनानी है। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल हमने चेन से डोरी बनाई है। अब हमें ये जो कॉर्नर है यहाँ से ये इतना छोड़ना है, इसको यहाँ से यहाँ तक डालते हुए लाना है। ये वाली साइड, ये ऊपर पूरी और ये साइड में, देखिए हम इसको कैसे डालेंगे। हमें ये दो दो चेन का गैप लेना है और हमें इस तरह से इसको निकाल देना है। हमें फिर से दो चेन का गैप लेना है और फिर से इसको निकाल लेना है। इस तरह से हमें इसमें डालना है इसको। ये देखिए हमने ये डोरी को तीनों साइड डाल लिया है। अब ये आपको इस तरह से दिख रही होगी प्लेट्स की तरह, तो हमें इसमें प्लेट्स ही चाहिए। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से खींचते हुए लाएंगे दोनों साइड से, और हमें इस तरह से इसको धोती की शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये धोती की शेप आ गई है। अब हमें इसका फ्रंट पार्ट बनाना है। अब हम ये रेड धागा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 14 चेन ले ली हैं। 14 चेन लेने के बाद में हमें यहाँ पर तीन चेन और लेनी है, और ये फोर्थ वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 3 स्किप करना है फोर्थ चेन में। फिर नेक्स्ट में, अब ये जो हमने 14 चेन ली थी, ये सभी चेन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है और इस रो को हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। एक हमारा ये तीन चेन वाला, जो हमने तीन चेन ली थी वो भी डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा, और 14 हमारी चेन थी, तो ये इस तरह से 15 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अभी हमें एक रो और इसी तरह से बनानी है। 15 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 15 ही बनाने हैं, कोई इंक्रीज नहीं करना है। तो हम तीन चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, तीन चेन लेनी है और अब हमें दोनों साइड से एक एक घटाना है। तो इसके लिए हम एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरह से हम लास्ट में दो स्टिच छोड़कर कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को। हम यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है, लास्ट में हमें दो चेन छोड़नी है अभी। ये देखिए हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब हमारी ये दो चेन बची हैं, तो हमें जैसे हमने यहाँ पर एक चेन स्किप की है, इसी तरह से हमें ये बीच वाली चेन को स्किप करना है और लास्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर से तीन चेन लेनी है, टर्न कर लेना है। अब हमें फिर से एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ से एक एक स्टिच कम करते हुए लास्ट में हमें तीन डबल क्रोशिया बच जाएंगे जब तक हमें इसको कंप्लीट करना है। देखिए अब यहाँ पर हमारे तीन डबल क्रोशिया बचे हैं, तो हमें एक रो और करनी है, तो तीन के ऊपर हमें तीन ही बनाने हैं। ये देखिए तीन चेन लेनी है, वर्क को टर्न कर लेना है, एक सेम इसी चेन पर, एक इससे नेक्स्ट पर, और एक नेक्स्ट पर।
ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो धोती है, धोती का जो ये सेंटर है, इस सेंटर पे हमें यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच करना है। इसको हम इस तरह से रख लेंगे थोड़ा, और हम इस तरह से इसको ये देखिए ये दोनों को हमें इस तरह से साथ में लेना है। और सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। इस तरह से और चेन लेकर धागा कट कर देना है। देखिए हमारे कान्हा जी की धोती रेडी हो चुकी है। अब ये जो धागा है, ये इस तरह से ये धागे रह जाते हैं, इन्हें हमें क्या करना है, इस तरह से क्रोशिया को यूज करते हुए और हमें इनको बैक साइड में ले आना है, जिससे ये आगे ना दिखे। इनको हम कहीं से भी इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कान्हा जी की धोती रेडी हो चुकी है। कान्हा जी का पटका और चोली हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।